हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तारचंद, आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड। और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है पेपर फर्स्ट सेक्शन ए, उसमें हमारा इम्पोर्टेंट जो विचारक है वो है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स दुनिया के मजदूर एक को नारा दिया था, अर्थात क्रांति का आह्वान। क्रांति का जनक, श्रमिक वर्ग का महान शिक्षक, वैज्ञानिक समाजवाद के पिता, मजदूरों के पिता मह आदि नामों से भी जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 जर्मन के त्रयानगर के रैन प्रांत में हुआ था। रैन प्रांत के त्रयानगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 मार्च 1883 में लंदन के हाईगेट नामक स्थान पर। कार्ल मार्क्स दुनिया का एक बहुत बड़ा विद्वान, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बाद में दास कैपिटल। ये दो प्रमुख उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। हालांकि पुस्तक तो उनकी बहुत थी, लेकिन जितना जिक्र दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंतर्गत किया है वो अन्य किसी पुस्तकों के मध्य नहीं। तो अब बात करते हैं वर्ग और वर्ग संघर्ष वाली वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने ऑगस्टन थोरे से ग्रहण की है, अर्थात वर्ग की वर्ग क्या है और वर्ग की अवधारणा को मार्क्स ने ऑगस्टन थोरे से ग्रहण की है। और ऑगस्टन थोरे ने वर्ग व्यक्तियों के एक समूह के रूप में स्पष्ट किया है जिनकी एक जैसी स्थिति होती है। देखिए, जब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग को स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के एक ऐसा समूह जिनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, एक जैसा जीवन यापन करते हैं, एक जैसी वस्तुओं की पूर्ति करते हैं या उपयोग में लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। वर्ग और वर्ग संघर्ष, जब दो बात आती है कि दुनिया में एक वर्ग और दूसरा वर्ग और दोनों वर्गों के मध्य संघर्ष, तो स्पष्ट है मार्क्स की दृष्टि से समाज में दो वर्ग हैं। उन दोनों वर्गों के मध्य अपने हितों को लेकर, संघर्षों को लेकर समय समय पर जो तालाबंदी, जो हड़ताल, जो आंदोलन देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं वर्ग संघर्ष। अर्थात एक वर्ग ऐसा है जो साधनों से वंचित है, साधनहीन है, जो अपना श्रम करके जीवन यापन करता है, और एक वर्ग ऐसा है जो बैठा है, स्वामित्व है, साधन संपन्न है, शक्ति का मालिक है। एक वर्ग समाज के अंतर्गत ऐसा वर्ग है जो केवल श्रम करके अपना जीवन यापन करता है, जो साधनहीन है, उनके पास साधन नहीं है, शक्तिहीन है, जो केवल दूसरों को मजबूर करके अपने जीवन यापन करता है, उसे हम कहते हैं पराश्रित वर्ग, सर्वहारा वर्ग, निम्न वर्ग या साधनहीन वर्ग और श्रमिक वर्ग। और एक तरफ वो वर्ग है जो साधन संपन्न है, स्वामित्व वाला है, साधन का मालिक है, पूंजीपति है, उनके पास शक्ति भी है, उसको हम कहते हैं बुजुर्गों वर्ग। अब इन दोनों वर्गों के मध्य मार्क्स ने जो वाद विवाद, जो संघर्ष, जो द्वंद्व आदि को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया है कि ये दो वर्ग अपने हितों को लेकर समय समय पर जो द्वंद करते हैं उसको हम कहते हैं संघर्ष। लेकिन ये द्वंद जो संघर्ष चलता है वो केवल विचारों में अहिंसात्मक रूप से, इस बात को मार्क्स ने कहा है वर्ग और वर्ग संघर्ष। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने कार्ल मार्क्स ने वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की उल्लेख किया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंतर्गत वर्ग और वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या की है कि दुनिया में ये दो वर्ग आपस में समय समय पर अपने हितों को लेकर, अपनी आवश्यकताओं को लेकर संघर्ष रहा, वही वर्ग संघर्ष है। कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति क्या विचारधारा होती है और श्रमिक वर्ग की क्या विचारधारा होती है, इन विचारों में ही अंतर, भेद, तुलना ही संघर्ष है। मार्क्स की विचारधारा है कि हमेशा पूंजीपति की प्रवृत्ति होती है शोषण की और अपनी संपत्ति को बढ़ाने की,
कि उसकी संपत्ति का विस्तार कैसे होगा, और ये हमेशा प्रवृत्ति किसकी रहती है, पूंजीपति की, कि वो गरीबों का खून चूस करके अपनी पूंजी में वृद्धि करता है, उसकी ये प्रवृत्ति रहती है। लेकिन मार्क्स ने कहा है कि ये प्रवृत्ति हमेशा स्वयं के लिए घातक है, और यहीं से इस प्रवृत्ति के कारण ही सामाजिक क्रांति का जन्म होता है। इधर श्रमिक वर्ग चाहता है कि उसकी कामचोर वाली प्रवृत्ति होती है, वो अधिक से अधिक तो पैसा लेना चाहता है, मजदूरी लेना चाहता है, कम से कम श्रम करना चाहता है, वो श्रमिक वर्ग की प्रवृत्ति होती है। और पूंजीपति की होती है कि हम श्रमिक को कम से कम पैसा दें और अधिक से अधिक काम करवाना चाहते हैं। इन बातों को लेकर अपने आप में दोनों वर्गों में जो संघर्ष है, मार्क्स ने से वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है। शोषक वर्ग अर्थात दूसरों का शोषण करके अपना जीवन यापन अपनी पूंजी में वृद्धि करता है। शोषित वर्ग अपने आप को दूसरे से समर्पित करके अपना जीवन यापन करता है। इस बात को मार्क्स ने दो वर्गों के रूप में स्पष्ट किया है, एक शोषक वर्ग जिसमें पूंजीपति वर्ग है, एक शोषित वर्ग जिसमें निम्न स्तर के वर्ग के व्यक्ति, श्रमिक वर्ग के व्यक्ति आते हैं। एक स्थान पर मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के समस्त समाजों में जितने भी युग रहे हैं सभी में वर्ग संघर्ष रहा है। इसकी व्याख्या में पुनः एक बार करते हैं। आज तक समस्त समाजों के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, मार्क्स ने अपनी प्रमुख पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंतर्गत किया है कि दुनिया में अब तक कितने युग रहे हैं, कितने समय में परिवर्तन आया है, इन सभी में केवल एक युग को छोड़कर के, एक समय को छोड़कर के, बाकी सभी समय में इन दोनों वर्गों में अर्थात पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग दोनों के मध्य संघर्ष रहा है, जिसे हम कहते हैं वर्ग संघर्ष। तो मार्क्स ने समाज को पांच भागों में विभाजित, काल मार्क्स के अनुसार, मार्क्स के अनुसार समाज के पांच भाग, मार्क्स ने समाज के कितने भागों में विभाजित किया है, वह है पांच भाग। नंबर वन है आदिम युग, नंबर दूसरा है दास्त युग, नंबर तीसरा है सामंत युग, सामंतवादी युग, और नंबर चौथा है पूंजीवादी युग, और नंबर पांचवा है समाजवादी युग। इसलिए हम कभी भी आपको अपार्ट पूछ सकता है कि मार्क्स ने समाज में कितने युगों में विभाजित किया है, तो मार्क्स ने समाज में पांच युग बताए हैं। आदिम युग एक ऐसा युग है जिसमें मानव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस युग में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोग समान थे और वर्ग स्पष्ट नहीं थे, अर्थात वर्ग ही समाज। आदिम युग एक ऐसा युग है जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोग समान थे, सभी मिल बांट कर खाते थे, सामूहिक शक्ति अधिक थी, सामूहिकता को अधिक महत्व देते थे, व्यक्तिवाद का अभाव था, संपत्ति का कोई विकास नहीं था, सभी लोग शिकार करते थे, सभी लोग मिल बांट करके खाते थे, सभी लोग मिलजुल करके रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। इस प्रकार की विचारधारा में सामर्थ्य सभी व्यक्ति सरल साधा रूप से अपना उपयोग करते थे, किसी प्रकार का कोई व्यक्तिवाद नहीं था, संपत्ति का भी कोई प्रश्न नहीं था, इसलिए सादा सरल सामूहिकता वाला जीवन था, वो कहलाता है आदिम युग। इसमें जनजाति जंगली अवस्था में था, जो मानव विवेक भी कम था, इसलिए वर्गहीन समाज था, साधन भी नहीं थे तो सामूहिकता के थे,
जो शिकार करने वाला। समय में परिवर्तन आया और आदिम युग के बाद एक दूसरा युग आया, उसे हम कहते हैं दास्त युग। और दास्त युग में समाज में कुछ भेदभाव स्पष्ट हो गया, अर्थात उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग और कुछ कमजोर वर्ग, जो शिकार में दक्ष थे कुछ कमजोर थे, जिस आधार पर समाज में कुछ भेदभाव होने लगाया और समाज में दो वर्ग बन गए, एक दास और दूसरा दास का स्वामी। स्वामी हमेशा उच्च वर्ग और दास हमेशा निम्न वर्ग का था। हमने कल भी बताया था कि बोटोमोर कहता है कि दास एक व्यक्ति होता है जो दूसरों की संपत्ति माना जाता है, अर्थात दास व्यक्ति जीवन भर दूसरों के लिए कमाता है, पूंजीपति को चल कमाता है, वो केवल अपना खाना खाता है और पहनता है, बाकी दुनियादारी से सब कुछ लेना देना नहीं, सारी जिंदगी पूंजीपति लोगों को कमा के देता है, इसलिए दास वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की संपत्ति माना जाता है। इसलिए दास की समाज में निम्न स्थिति और दूसरी तरफ होती है समाज में उच्च स्थिति दास के स्वामी की। समाज में स्वामी स्वामित्व वाले होते हैं, शक्ति वाले होते हैं, समाज में उच्च स्थान होता है, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि जिस स्वामी की जितने अधिक दास हुआ करते हैं समाज में उनकी उच्च स्थिति मानी जाती थी। आज भी हम अपने घरों के अंतर्गत जितना नौकर रखते हैं वो उसकी समाज में प्रतिष्ठा अन्य व्यक्ति की तुलना में उच्च स्तर की होती है, अर्थात नौकर जो काम करने वाला, जो लोग ऐसा आराम करते हैं अन्य उच्च जाति के लोग और बाकी अन्य लोग काम करते हैं, उस बात को हम कहते हैं दास और स्वामी। तो स्वामी की समाज में उच्च स्थिति और दास की समाज में निम्न स्थिति, इन दोनों वर्गों में अपने हितों को लेकर समय समय पर जो संघर्ष रहा, मार्क्स ने इस बात को कहा है वर्ग और वर्ग संघर्ष। प्रकृति के नियम में फिर परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद में तीसरा युग आरंभ हुआ, वो कहलाता है हमारा सामंत युग। और सामंत युग में सामंत और अर्धदास किसान, इसमें भी दो वर्ग स्पष्ट हो गए। सामंत और अर्धदास किसान, सामंत और अर्धदास किसान, अर्थात तो सामंत युग में भी दो वर्ग स्पष्ट हो गए, एक सामंत जिनका कुछ समाज उच्च स्थान साधन संपन्न स्वामित्व तुम्हारी समाज आर्थिक राजनीतिक शक्ति वाला वर्ग, और दूसरा अर्धदास किसान जो कि सामंत की भूमि को बटाई करते थे, अपना मेहनत या अपने उपयोग के लिए रखने के बाद में सारे जो भी सब कुछ है वो सामंत की, इसलिए वो लोग बटाई पर कृषि करते थे। तो ऐसी स्थिति में सामंत और अर्धदास किसान दोनों के मध्य फिर संघर्ष अपने हितों को लेकर आवश्यकताओं को लेकर, क्योंकि सामंत जो होते हैं वो ऐसा आराम करते हैं और अर्धदास किसान सारी जिंदगी काम करता है, लेकिन फिर भी उनको पेट भरने के लिए एक न्यूनतम हिस्सा ही प्राप्त होता है, जबकि सामंत वर्ग निठल्ला रहने के बाद भी उन्हें उत्पादन का अधिक मात्रा में उत्पादन होता किया देता है, तो उसके समाज में उच्च स्थान। इन दोनों वर्गों अपने हितों को लेकर टकराव होने के कारण कालमार्ग से समय समय पर वर्ग और वर्ग संघर्ष दोनों पर लिख किया, अर्थात इसी युग में भी दोनों वर्गों में संघर्ष रहा, एक सामंत वर्ग एक अर्धदास किसान। समय में परिवर्तन के बाद में फिर एक चौथा युग का आरंभ हुआ, वो है पूंजीवादी युग। और पूंजीवादी युग में भी पूंजीपति और सर्वेंट, और श्रमिक वर्ग, इसमें भी दो वर्ग स्पष्ट हो गए। स्वामित्व वाला जो वर्ग है, साधन संपन्न जो वाला वर्ग है, कारखाने फैक्ट्रियों का मालिक है, शक्ति का जो मालिक है, समाज में उच्च स्थान, आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक शिक्षा आदि जो प्राप्त करने वाला जो वर्ग है वो स्वामित्व वर्ग कहलाता है। समाज में उसकी उच्च स्थिति, वो पूंजीपति वर्ग है, क्योंकि साधन संपन्न है और साधन संपन्न होने के कारण उसके पास सारी शक्तियां हैं, और दूसरी तरफ वो वर्ग जो साधन ही है, जो केवल श्रम भेद का अपना जीवन यापन करता है, उसे हम कहते हैं श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग का सर्वार वर्ग जो सभी व्यापक संख्या में देखने को मिलता है, और गुर्जरा वर्ग जो है अल्पसंख्यक जो उनकी संख्या कम होती है, वो पूंजीपति वर्ग कहलाता है।
इन दोनों वर्गों में अपने हितों को लेकर फिर संघर्ष जारी रहा, जिसे मार्क्स कहते हैं कि वर्ग और वर्ग संघर्ष, अर्थात एक वर्ग पूंजीपतियों का, दूसरा वर्ग श्रमिक वर्गों का, अपने हितों को लेकर फिर संघर्ष जारी रहा, जिसे हम कहते हैं वर्ग और वर्ग संघर्ष। और इस पूंजीवाद युग के बाद में मार्क्स ने कल्पना की थी कि समाजवाद आएगा, लेकिन समाजवाद आज तक नहीं आया, उससे पहले संपूर्ण रूस विकसित हो गया। केवल कुछ देशों में छोड़कर के साम्यवाद आया जो कि व्यवस्थित तरीके से नहीं है। तो ये हमारा जो पांचवा युग है, पूंजीवाद युग के बाद समाजवाद युग, कल्पना की थी मार्क्स ने कि इस युग के अंतर्गत वर्ग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, सभी पर सभी का अधिकार होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये युग आज तक आया नहीं। जब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की आलोचना के वर्ग और वर्ग संघर्ष सिद्धांत के संबंध में, तो वहाँ पर आलोचना की जाए तो कार्ल मार्क्स ने समाजवादी युग की कल्पना की थी, आदेश दिया था, लेकिन ये कल्पना ही रह गई और समाजवाद किसी भी देश में आज तक नहीं आया। स्पष्ट है कि कल्पना जो मार्क्स की थी वे असफल सिद्ध हुई। तो ये रहा मार्क्स का वर्ग और वर्ग संघर्ष सिद्धांत, जिस हम एक लाइन से स्पर्श करते हैं कि आज तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो ये रहे जितने भी हमारे समाज में युग रहे हैं, उन सभी के अंतर्गत वर्ग और वर्ग संघर्ष दोनों वर्गों में विवाद रहा है। केवल आदिम अवस्था को छोड़ करके, पहले युग को छोड़ करके इस युग में दो वर्ग नहीं थे, इसलिए इसमें संघर्ष नहीं था। बाकी अन्य तीन चार युगों के मध्य हमेशा संघर्ष दोनों वर्गों में जारी रहा, जिसे मार्क्स ने कहा है वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत।